जी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वर्ब्स के स्पॉटिंग एरर को। तो आइए चलते हैं, हम लोग पहले शुरुआत करते हैं वर्ब के स्पॉटिंग एरर को। और वर्ब के कंसेप्ट को अगर किसी को क्लियर ना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वर्ब के कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद हम लोग स्पॉटिंग एरर को देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ही वॉज सो inquisitive that he rose many questions in the class। चलिए आइए देख लेते हैं, वन बाय वन करके हम लोग पार्ट को डिटेक्ट करते हैं कहाँ पे हम लोगों का एरर है। ठीक है, तो देखिए, ही वॉज सो inquisitive, तो inquisitive मीन्स होता है जिज्ञासु। वह इतना जिज्ञासु था दैट ही रोज मैनी, तो राइज रोज रीजन हो गया, तो राइज मैंने उठना होता है, बट यहाँ पे मेनी क्वेश्चंस को, जब मेनी क्वेश्चंस को राइज करता है, राइज नहीं किया जाता है, हम लोग मेनी क्वेश्चन रेज करते हैं। क्या करते हैं? रेज। तो राइज रोज रीजन नहीं होगा, रेज्ड, रेज रेज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ही वॉज सो इंक्यूजिटिव दैट ही रेज मेनी क्वेश्चंस, क्या हो जाएगा? ही रेज मैनी क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आप लोगों का ये जो रोज है, रोज नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा रेज। तो रेज्ड का सेकेंड फॉर्म रेज्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रेज्ड। ठीक है, क्योंकि रेज्ड मीन्स होता है उठाना, और राइज रोज मीन्स होता है उठना, नींद से जागना। ठीक है, तो इसे बोलते हैं। ठीक, चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ही वॉज बॉर्न आप पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप इन एन एफ्लुएंट फैमिली। तो ध्यान दीजिए, आइए वन बाय वन पार्ट करके हम लोग देख लेते हैं। तो ही वॉज बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे बॉर्न, ये बॉर्न नहीं होगा, आपका होगा बी ओ आर एन। क्यों? क्योंकि बियर बोर बोर्न होता है, तो बियर मीन्स पैदा होना, तो उसका बोर, ध्यान दीजिए ये आपका हो गया बियर, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है बोर, बियर, और थर्ड फॉर्म हो जाता है बोर्न। तो बियर बोर बोर्न, बट बियर मीन्स होता है बर्दाश्त करना या सहन करना, तो उसका भी होता है बियर बोर और बोर्न होता है, क्या होता है? बोर्न, उसमें ई लगा होता है, बट पैदा होने वाले में ई नहीं लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ई लगा हुआ है, इसलिए गलत हो जाएगा, हम लोगों को बी ओ आर एन लगाना है, क्या लगाना है? बी ओ आर एन। ठीक है, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन 1950 व्हेन इंडिया वॉज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मेनी आस्पेक्ट्स। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन 1950। अब फाउंड, तो फाउंड मीन्स होता है पाना, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए वाज है, तो वाज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे जो फाउंड है, फाउंड अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो फाइंड का है ये, फाइंड मीन्स होता है पाना, तो फाइंड फाउंड फाउंड हो जाएगा, फाइंड फाउंड फाउंड। बट ये फाइंड मीन्स पाना वाला नहीं है, ये फाइंड मीन्स होता है न्यू डालना, क्या करना? फाउंडेशन, न्यू डालना, तो यहाँ पे फाउंड मीन्स होता है न्यू डालना, फाउंड मीन्स क्या होता है? न्यू डालना, तो फाउंड फाउंडेड होगा, फाउंड फाउंडेड फाउंडेड, फाउंड फाउंडेड फाउंडेड, तो ये आपका ये थर्ड फॉर्म आपका फाउंडेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फाउंडेड, फाइंड फाउंड नहीं होगा, फाउंड आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म फाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग्स ही फेल्ड टू मेंड हिज वेज। तो देखिए आई कंप्लेंट, सॉरी यहाँ पे देखिए कंप्लेंट है,
ये नाउन है, क्या है नाउन, हमको यहाँ पे आई के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए, नाउन नहीं चाहिए, क्या चाहिए वर्ब। तो वर्ब होता है आपका कंप्लेन, वर्ब क्या होता है कंप्लेन, और इसको सेकेंड फॉर्म अगर लगाना है तो क्या कर देंगे कंप्लेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा कंप्लेंड। तो यहाँ पे हो जाएगा आई कंप्लेंड अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग्स ही फेल्ड टू मेंड हिज वेज। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, फेलर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव्स। तो आइए देख लेते हैं, फेलर मस्ट नॉट हैव, फेलर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिए परमानेंट अफेक्ट, यहाँ पे अफेक्ट क्या होना चाहिए नाउन होना चाहिए, यहाँ पे अफेक्ट ये आपका वर्ब है, इफेक्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए इफेक्ट। तो यहाँ पे परमानेंट इफेक्ट होगा अफेक्ट नहीं, अफेक्ट आपका वर्ब है, यहाँ पे नाउन होना चाहिए, क्या होना चाहिए नाउन होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में देख लेते हैं हम लोग, आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन वेन प्रोवोक्ड। अब ध्यान दीजिए, आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज, नेवर यहाँ पे आई कीप माई कूल यहाँ तक तो सही है, एंड नेवर लूज माई टेम्पर, नेवर इसके बाद वर्ब आएगा, क्या आएगा वर्ब। अब यहाँ पे वर्ब जो है लूज, लूज ये आपका एडजेक्टिव है, क्या है एडजेक्टिव, और लूज मीन्स होता है ढीला, यहाँ पे होगा लॉस, क्या होगा लॉस। तो ध्यान दीजिए, आई कीप माई कूल एंड नेवर लॉस माई टेम्पर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं, ही लाइड ऑन द ग्रास, ही लाइड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स enjoying द कूल ब्रीज। तो ध्यान, कूल मतलब ठंडा, ब्रीज माने समीर हवाएं, समुद्र की समुद्री हवाएं जो होती है ना। तो ही लाइड ऑन द ग्रास, तो क्योंकि लाई लाइड लाइड ये आपका झूठ बोलने वाला हो जाएगा, और लाई ले लेन, लाई ले लेन, जो लाई ले लेन होता है वो होता है पड़े रहना, टू मूव इनटू अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, अर्थात लेट जाना, लाई ले लेन होता है, क्या होता है लाई ले लेन। तो यहाँ पे लाई लाइड नहीं होगा, लाइड मीन्स होता है झूठ बोलना, लाइड मीन्स क्या होता है झूठ बोलना, तो यहाँ पे लाइड नहीं होगा, यहाँ पे ले होगा, ले मीन्स होता है लेट जाना। तो ही ले ऑन द ग्रास फॉर आवर्स एंजॉयिंग द कूल ब्रीज। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एट। एट में दिया हुआ है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन मेनी रिवर्स ओवरफ्लो दियर बैंक्स एंड कॉज्ड ग्रेट डिफिकल्टी। तो देखिए, ड्यूरिंग द रेनी सीजन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मेनी रिवर्स ओवरफ्लोड यहाँ पे हो जाएगा ओवरफ्लोड। ठीक है, ओवरफ्लो नहीं होगा। आइए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है, ही ले हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है ही, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ही ले हिज लगेज। तो यहाँ पे जो ले है, यहाँ पे ले मीन्स होता है किसी चीज़ को हॉरिजॉन्टल रखना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो ले लेड लेड हो जाता है, क्या होता है ले लेड लेड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, वो अपने लगेज को रखता है, तो जब रखता है तो हम लोग यहाँ पे ले नहीं करेंगे,
क्योंकि रखने के बाद वो, देखिए यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा, तो ही लेड हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ वाइल। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं। दिया हुआ है व्हेन कैलेमिटी फेल द विलेज दे फेस्ड इट ब्रेवली। तो देखिए व्हेन कैलेमिटी, कैलेमिटी मीन्स होता है जो तूफान वगैरह आता है आपका ना, कैलेमिटी जो तो ध्यान दीजिए, जब व्हेन कैलेमिटी फेल द विलेज, फेल मीन्स होता है यहाँ पे देखिए कैलेमिटी माने जो आंधी तूफान आता है और सबको तहस नहस कर देता है उसी को बोलते हैं कैलेमिटी। तो व्हेन कैलेमिटी फेल, फेल नहीं होगा बी फेल होगा, क्या होगा बी फेल, व्हेन कैलेमिटी बी फेल, बी फेल मीन घटित होना, बी फेल मीन्स क्या होता है घटित होना। ठीक है, तो बी फेल द विलेज दे फेड इट ब्रेवली। चलिए आगे देख लेते हैं, द असेसिन वॉज कन्विक्टेड, द असेसिन वॉज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर्ड टू बी हंग। ध्यान दीजिए द असेसिन मीन्स होता है हत्यारा, वॉज कन्विक्टेड दोषी पाया गया, एंड माने और ऑर्डर माने आज्ञा दे दिया गया टू बी हैंग्ड फांसी देने का। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो हंग है, ये हंग मीन्स होता है लटकाना, ध्यान दीजिएगा, हैंग मीन्स होता है लटकाना, तो हैंग हंग होता है। ठीक है, बट जो फांसी देने वाला होता है वो होता है हैंग्ड होता है, क्या होता है हैंग्ड होता है। ठीक, तो ये फांसी देने वाला है तो यहाँ पे हो जाएगा हैंग्ड, क्या हो जाएगा हैंग्ड। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हंग नहीं होगा, यहाँ पे हंग दिया हुआ है यहाँ पे हो जाएगा हैंग्ड, क्या हो जाएगा हैंग्ड। ठीक, चलिए ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोगों का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है इफ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM। तो ध्यान दीजिए इफ आई लीव नाउ, यदि मैं अब निकलता हूँ, आई विल नॉट बी एबल, मैं नहीं हो सकता टू रिटर्न वापस बैक। तो ध्यान दीजिए रिटर्न माने वापस होना ही होता है, बैक यहाँ पे गलत हो गया, तो यहाँ पे ये सुपर फ्लूज का कार्य करेगा, बैक यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए व्हेन द कंपनी ऑफर्ड हिम अ पोस्ट ऑन हिज रिटायरमेंट ही रिफ्यूज्ड टू एग्री इट। तो ध्यान दीजिए When the company offered him a purse on his retirement, जब कंपनी उन्हें रिटायरमेंट पे ऑफर देती है एक पर्स, तो he refused to agree it, agree माने सहमत होना, तो यहाँ पे सहमत होने से नहीं वो मना किए थे, वो स्वीकार करने से मना किए थे, तो यहाँ पे accept हो जाएगा, क्या हो जाएगा accept, तो to accept it। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, द टिमिड क्रिएचर वॉज ड्राइवन इन टू अ नैरो लेन वेयर इट वॉज स्लीव्ड बाय द किडनैपर। तो ध्यान दीजिए अ टिमिड क्रिएचर वॉज ड्राइवन इन टू अ नैरो लेन, तो नैरो लेन में लाया गया, वेयर माने यहाँ इट वॉज स्लीव्ड द किडनैपर, तो यहाँ पे स्लीव्ड नहीं होगा स्लेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्लेंड, सॉरी स्लेंड
स्लेन होगा, स्लेन नहीं स्लेन, स्ले, क्योंकि इसका ये फर्स्ट फॉर्म होता है स्ले स्लेन स्लेन, ठीक है, स्ले स्लेन स्लेन होता है। तो यहाँ पे स्लेन का यूज करना है, किसका यूज करना है, स्लेन का, स्लेन का यूज करना है। तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म स्लेन होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है बीइंग इम्प्लिकेटेड इन अ मर्डर केस ही वॉज कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड फॉर ऑल द अनसॉल्व्ड मर्डर केस, अनसॉल्व्ड मर्डर केस। तो ध्यान दीजिए, बीइंग इम्प्लिकेटेड इन अ मर्डर केस ही वॉज कंक्लूसिवली, कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड। अब ध्यान दीजिए, कंक्लूसिवली और सस्पेक्टेड दोनों कंट्रोवर्सी है, या तो आप इसको हटा दीजिए। तो ही वॉज सस्पेक्टेड फॉर ऑल द अनसॉल्व मर्डर केसेस, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूसिवली नहीं होगा, सस्पेक्टेड यू कैन कीप इट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का 15 क्वेश्चन यहाँ पे स्पॉटिंग एरर को कराया गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, और यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।